हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम न्यूमेरिकल सीरीज जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं, राइट। तो कुछ एक सिंपल से न्यूमेरिकल आज मैं आपको करवाऊंगा, उसके बाद धीरे धीरे हम जो है न्यूमेरिकल का जो स्टेजेस हैं 1 2 3 4 वो हम करते जाएंगे, ठीक है। तो आज मैं नियर अबाउट आपको 5 न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा। तो स्टेटमेंट मैंने कहीं लिखी नहीं है क्योंकि स्टेटमेंट लिखने में टाइम लगेगा, मैं आपको स्टेटमेंट बोल के बता देता हूँ। उससे पहले हमने क्या करना है, ध्यान से सुनना, एक बार हम द्वारा रिवाइज करेंगे सारे के सारे फार्मूले। एंड दीज न्यूमेरिकल्स आर फॉर स्फेरिकल मिरर्स, राइट। तो स्फेरिकल मिरर में सबसे पहले हमने क्या बोला कि कोई भी स्फेरिकल मिरर है उसमें एफ जो है वो आर बाई टू होता है, राइट। दूसरा पॉइंट कि मिरर फार्मूला जो है वो 1.u + 1.v = 1.f, राइट, ये भी सभी को पता है। अब जो मैग्निफिकेशन है उसका क्या फार्मूला होता है, साइज ऑफ द इमेज टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, या इसको लिखते हैं -v/u, दिस इज इमेज डिस्टेंस, दिस इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, राइट। और ये भी फार्मूला हमने प्रूफ किया हुआ है, f - v / f = f - v, ये छोटी सी वीडियो मैंने पोस्ट की 5 मिनट्स की, उसमें मैंने लिखा हुआ। उसके बाद मैग्निफिकेशन जो होती है वो नेगेटिव होती है फॉर रियल इमेज, बताया था मैंने, एंड पॉजिटिव फॉर वर्चुअल इमेज, राइट। अंडरस्टूड है कि अगर आपकी रियल इमेज है तो मैग्निफिकेशन उसमें नेगेटिव होगी, अगर आपकी वर्चुअल इमेज है तो मैग्निफिकेशन क्या होगी, पॉजिटिव, इन केस ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। एंड देन फोकल लेंथ एंड आर, आर इज रेडियस ऑफ क्रिएचर, एफ इज द फोकल लेंथ, तो एफ एंड आर इज नेगेटिव फॉर कनकेव मिरर, कनकेव मिरर के लिए क्या होंगे, ये नेगेटिव होंगे एंड पॉजिटिव होंगे फॉर कन्वेक्स मिरर, राइट। उसके बाद इमेज, इमेज जो होती है वो नेगेटिव होती है फॉर रियल इमेज, रियल इमेज के लिए हमारे पास जो इमेज है वो क्या है, नेगेटिव, एंड फॉर वर्चुअल इमेज हमारे पास जो वी होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है, राइट। क्लिक करना तो कर डन। उसके बाद हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको ध्यान से सुनना। क्या कहता है वो, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, नंबर 1 10 सेंटीमीटर, एंड नंबर 2 कोई भी ऑब्जेक्ट हम क्या कर रहे हैं, प्लेस कर रहे हैं, नंबर 1 10 सेंटीमीटर, नंबर 2 5 सेंटीमीटर, मतलब दोनों के लिए हमने निकालना है, एक के लिए मैं निकाल के बता दूंगा, दूसरा आप नहीं करना है, राइट। तो स्टेटमेंट सुनो ध्यान से, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ क्रिवेचर 15 सेंटीमीटर, मतलब आपके पास रेडियस ऑफ क्रिवेचर कितना दिया हुआ है, 15 सेंटीमीटर, राइट। फाइंड द पोजिशन, नेचर एंड मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज इन ईच केस, पोजिशन, नेचर एंड मैग्निफिकेशन, राइट, पोजिशन, नेचर एंड मैग्निफिकेशन इन ईच केस, पहले इसमें और इसमें, ये वाला मैं कर दूंगा, ये वाला आपने करना है, वही आंसर बताना है आपने, ठीक है। अब क्वेश्चन आपको समझ आ गया कि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है वो इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर, राइट। जब भी हम न्यूमेरिकल, देखो न्यूमेरिकल जो है वैसे तो मुझे कहना नहीं चाहिए, बट न्यूमेरिकल जो है उसी टाइम करना चाहिए जब आप थ्योरेटिकली उसमें क्या हो जाओ, टॉपिक में वेल वर्स्ड हो जाओ, मतलब एकदम से वो टॉपिक जो है वो आपके माइंड में बिल्कुल अंदर तक घुस जाना चाहिए, उसके बाद आप न्यूमेरिकल करो। अदरवाइज बहुत सारी हवाएं उठती हैं कि न्यूमेरिकल करो जी, हम ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे, अरे कुछ नहीं होता है, जो भी करना है उसको सही ढंग से करो, राइट। मैंने क्या बोला है, डोंट रन आफ्टर द मार्क्स, आप नंबर्स के पीछे मत भागो, अगर आप नंबर के पीछे भागोगे आप इंटेलिजेंट नहीं बनोगे, राइट, क्लियर है। अगर आप टॉपिक के पीछे भागोगे तो नंबर खुद ब खुद आपके पीछे भागेंगे, मतलब नॉलेज गेन करो, नंबर आपके पीछे भागेंगे, समझ आ रही है। अगर आप नंबर के पीछे भागोगे तो नॉलेज आपका जीरो हो जाएगा, इस बात को याद रखना है, क्लियर है। बहुत सारे मैंने बच्चों से बात की है तो वो कह रहे हैं कि न्यूमेरिकल नहीं होंगे तो हम फेल हो जाएंगे, अरे कौन बोलता है आपको, ये इन बातों को दिमाग से निकाल दो, राइट, क्लियर है। ये टॉपिक जो है ये ऐसे नहीं है कि आपने इसको क्रैम करना है, ये वो लोग करते हैं जो क्रैमिंग करते हैं कि हमें टॉपिक
के बाद न्यूमेरिकल कराओ, अरे नहीं, पहले सारे टॉपिक रे ऑप्टिक्स में हर चीज में आपके पास, कभी आपको मिरर का फार्मूला वहां पर यूज करना पड़ेगा, कभी आपको लेंस का फार्मूला यूज करना पड़ेगा, तो आप क्या करोगे वहां पे, एक एक न्यूमेरिकल करोगे, तो एक एक न्यूमेरिकल से आप संतुष्ट हो गया, राइट? तो जब भी आपने न्यूमेरिकल करने हैं तो पहले सारे टॉपिक पढ़ो, उसके बाद फिर न्यूमेरिकल को हाथ लगाओ, फिर देखो आपके न्यूमेरिकल धड़ाधड़ निकलते हैं। समझ आ रही है? अपने माइंड को थोड़ा सेट करो। ओके, तो अब मैं क्या बोल रहा हूं कि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, राइट? वो 10 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर, हम 10 सेंटीमीटर की बात करेंगे, 5 सेंटीमीटर आपने निकाला, तो वो इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर रखा हुआ है, राइट? हमने क्या करना है, पोजीशन, नेचर एंड मैग्निफिकेशन निकालनी है। किसकी निकालनी है? इमेज की निकालनी है। तो इसका मतलब पहली बात कि आपके पास मिरर कौन सा है वो आप रखो। नंबर टू, मैं आपको मेथड बता रहा हूं, नंबर टू आपने क्या करना है, आपने देखना कि आपको कौन कौन सी चीज दी हुई है, कौन कौन सी नहीं दी हुई है, और कौन सा फार्मूला यहां पर लग रहा है। ओके, चले आगे। अब ध्यान से सुनना, ये सारी बातें आपने माइंड में रखनी है कि हमने क्या निकालना है और कैसे निकालना। तो मेरे पास मिरर था, कनकेव मिरर, यही था, बताते रहना मेरे साथ साथ। मिरर क्या था मेरे पास? कनकेव मिरर। कनकेव मिरर के फ्रंट में आपने क्या रखा हुआ है? ऑब्जेक्ट, राइट? कनकेव मिरर के सामने आपने क्या रखा हुआ है? ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और उस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है? 10 सेंटीमीटर। मतलब हमारे पास u कितना है? -10 सेंटीमीटर। ये तो पता है कि पोल से इस तरफ को डिस्टेंस जो होते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट यहां पर है, इसका मतलब डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे यही होगी। अगर ऑब्जेक्ट यहां पर डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, तो इसका मतलब ये डिस्टेंस जो है वो ऑब्जेक्ट का आपका क्या होगा? -10 सेंटीमीटर। दूसरा, अब आपके पास मिरर क्या है? कनकेव मिरर है। तो कनकेव मिरर है वो तो आपको पता है, मैंने क्या लिखा यहाँ पे, इसको क्रैम करने की जरूरत नहीं है कि यार नेगेटिव होता कनकेव मिरर के लिए। आप कनकेव मिरर बनाओ तो आपको पता कि कौन से इस तरफ को उसका क्या बनेगा? ऑप्टिकल सेंटर नहीं, रेडियस ऑफ क्रिवेचर नहीं, क्या बनेगा? सेंटर ऑफ क्रिवेचर। तो इस तरफ को बनेगा, राइट? यहां पर ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट रखा, सेंटर ऑफ क्रिवेचर इस तरफ को आएगा, तो इसका मतलब वो आर भी आपके पास क्या होगा? नेगेटिव होगा। कितना दिया आर इन्होंने? 15 सेंटीमीटर। तो हम आर को क्या लिखेंगे यहां पर? -15 सेंटीमीटर। क्लियर है? समझ आ गई? अब आपको ये भी पता है कि हमारे पास अगर कनकेव मिरर है, देखो उसमें फार्मूला क्या है, मिरर फार्मूला, चाहे कनकेव है चाहे कन्वेक्स है, व्हाट इज मिरर फार्मूला? 1/u + 1/v दैट इज इक्वल टू 1/f। ये भी पता है, सभी को पता है। अब u मेरे पास है, v मैंने निकालना है, मेरे पास f नहीं है। मेरी बात समझ रहे हो? जब आपने v निकालना है तो आपको ये तीन u और f तो पता होना चाहिए। अब आपके पास u तो मैंने लिख दिया -10 सेंटीमीटर, अब f कहां से निकालोगे? तो f के लिए फार्मूला मैंने आपको बताया कि f इज इक्वल टू r/2। तो f होता है r/2, यहां पर r कितना है? -15/2, ये कितना बन गया? 7.5 सेंटीमीटर विद नेगेटिव साइन। तो आपके पास f निकल गया। क्लियर है? और समझ आ गई? अब क्या करना है आपने? अब आपने यहां पर वैल्यूज पुट कर देनी है इस फॉर्मूले में। u की वैल्यू आपके पास है, f की वैल्यू आपके पास है, करो पुट, राइट? करो पुट, शाबाश शाबाश, वेरी गुड। तो जैसे ही आपने इसको पुट किया, रेज कर दूं, ओके। अब आपने क्या करना है, यहां पर फार्मूला लगाना है, कौन सा? हमें क्या पता है कि 1/f किसके बराबर होता है? 1/u + 1/v, राइट? चाहिए क्या हमें? 1/v, हमें v चाहिए, तो ये क्या बन गया? 1/u, 1/v चाहिए, तो 1/f - 1/u, राइट? तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, u f और u - f, ऐसे लिख सकते हो। इसको उल्टा कर दो तो v आपके पास क्या आ गया? u f / u - f। ये एक सिंप्लीफिकेशन, मेडिकल वाले स्टूडेंट्स ध्यान से सुनना इसको, फिर बाद में जो हो गया कि ये कैसे हो गया, मैंने पहले इसको सिंपल कर दिया, राइट? क्योंकि जब आप इसमें एलसीएम लोगे तो आप को प्रॉब्लम आएगी, सभी को प्रॉब्लम आएगी, इससे अच्छा है कि मैंने इसको सिंपलीफाई कर लिया। क्यों? क्योंकि मुझे चाहिए 1/v, मुझे चाहिए v, तो 1/v एक साइड करके मैंने क्या किया? 1/f - 1/u, तो क्या बन गया? uf इसका क्या आ गया? LCM आ गया, तो क्या बन गया ये? u - f।
तो उल्टा कर दो तो v किसके बराबर u f into u minus f, तो u f u की वैल्यू आपको पता है, f की वैल्यू पता है, पुट करो और मुझे आंसर निकाल के बताओ जल्दी कितना आया। आपने निकालना है तो इसका आंसर आता है -30 सेंटीमीटर करके देख लेना, ठीक है निकल जाएगा ये। तो v जो है आपके पास -30 सेंटीमीटर आ गया। एक बात बेटा याद रखनी है कि डू नॉट गिव एनी साइन टू अननोन क्वांटिटी, कोई भी अननोन क्वांटिटी है उसको आपने कभी साइन नहीं देना है, राइट। जैसे मान लो v है, हम कहते हैं कि v जो है वो नेगेटिव होता है, मैंने ये बोला, या v पॉजिटिव है या v नेगेटिव है, केस में आता है ना। तो अगर वो अननोन है तो आपने उसको साइन नहीं देना है। अगर आपको दिया हुआ है कि v इतना है या ये इतना है, तब आप उसको क्या दोगे, साइन दोगे, मतलब साइन कन्वेंशन लगाओगे। अदरवाइज अगर आपने कोई चीज फाइंड करनी है उसको आपने कोई भी साइन नहीं देना, वो अपने आप ऑटोमेटिकली, जैसे आप इसको u पुट करोगे या पुट करोगे तो ऑटोमेटिकली यहां पर क्या आ जाएगा, साइन अपीयर हो जाएगा। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर है। अब आपके पास v निकल गई, जब आपके पास v निकल गई, अब v क्या है, नेगेटिव है। अब नेगेटिव v है तो मतलब क्या हुआ, नेगेटिव v का मतलब क्या है, देखो ध्यान से, नेगेटिव v का मतलब हमारे पास जो इमेज है वो रियल है। नेगेटिव साइन का मतलब कि हमारे पास जो नेगेटिव v आया मतलब इमेज हमारे पास क्या है, रियल है। तो इसका मतलब जो रियल इमेज फॉर्म हो रही है वो 30 सेंटीमीटर कहां से, पोल से, किस तरफ को, ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्यों, क्योंकि v 30 है, v 30 है तो मतलब क्या होगा कि आपका इस तरफ को डिस्टेंस नेगेटिव होगा, तो जिस तरफ को ऑब्जेक्ट होगा उसी तरफ को आपकी क्या बनेगी, इमेज बनेगी। इसका मतलब यहां पर आपकी क्या बन रही है, इमेज बन रही है। मेरी बात समझ आई, ये क्लियर होगी बात। अब इमेज आपकी यहां पर बन गई, अब मुझे क्या चाहिए, देखो मैंने क्या बताया, उसने क्या बताया था कि पोजीशन ऑफ द इमेज, पहला पॉइंट ये था, राइट, नेचर ऑफ द इमेज और साइज ऑफ द इमेज, ऐसे पूछा था, देख लो पोजीशन, नेचर या साइज या मैग्निफिकेशन उन्होंने पूछा है। तो साइज मतलब अपन मैग्निफिकेशन आपने निकालनी है, उससे साइज निकल जाएगा। तो पोजीशन ऑफ द इमेज आपको पता चल गई, 30 सेंटीमीटर -30 सेंटीमीटर। नेचर क्या है, अब मैंने क्या बोला कि आपकी इमेज जो है वो क्या है, नेगेटिव है, तो इसका मतलब रियल इमेज हुई। और किस साइड को हुई, रियल इमेज है और किस साइड को है, वो किस साइड को है, ऑन द सेम साइड एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्लियर, ये बात क्लियर होगी। अब हमने मैग्निफिकेशन निकालनी है, तो मैग्निफिकेशन के लिए आपके पास क्या फार्मूला है, दो फार्मूले हैं, साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ये भी है, ये भी है, ये भी है। कोई भी फार्मूला आप इसमें लगाओ, तो अगर हम मैग्निफिकेशन माइनस वी अपॉन यू निकालेंगे तो सिंपल सी बात है, यहां पर निकाल देता हूं, राइट, मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन होती है माइनस वी अपॉन यू, तो कितना है माइनस वी, अब कितना है माइनस वी अपॉन यू फार्मूला है, लेकिन वी कितना है माइनस 30, तो ये क्या बन गया माइनस माइनस 30, यू कितना है माइनस 10, तो क्या बन गया ये 30/10 विद माइनस साइन, तो माइनस 3, बताओ ये सही है, माइनस 3 आ, क्लियर है। तो आपकी मैग्निफिकेशन कितनी आ गई, माइनस 3, और मैंने पहले बोला है कि मैग्निफिकेशन इज नेगेटिव फॉर रियल इमेज, ओके क्लियर है। तो अब मैग्निफिकेशन आपके पास आ गई, अगर मैग्निफिकेशन आ गई, अगर आपको साइज ऑफ इमेज पता है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट पता है, तो मैग्निफिकेशन को उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट H2। क्लियर है, इतनी बात क्लियर होगी। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल में किसी को कोई प्रॉब्लम, ध्यान से सुनना बेटा, जब भी आपको कोई भी चीज दी जाती है न्यूमेरिकल देता, उसको ध्यान से पढ़ो, राइट। आप कहते हैं आपके न्यूमेरिकल नहीं निकल रहे, क्यों, क्योंकि यू आर द क्रैमर, आप क्रैमिंग करते हो इसलिए आपके न्यूमेरिकल नहीं निकलते हैं, आप बातों में आते हो इसलिए आपके न्यूमेरिकल नहीं निकलते हैं। अगर आप ध्यान से पढ़ोगे ना, राइट, अगर आप अपने टीचर के ऊपर ट्रस्ट करोगे तो आप बहुत आगे बढ़ोगे, समझ आ गई, बातों में उलझोगे तो आपको न्यूमेरिकल नहीं आएंगे जितनी मर्जी कोशिश करो। तो ये बात क्लियर होगी, समझ आ गई। अब नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आपने ठीक है करना है तो क्या कहते हैं उसको, क्लिक कर लो, जल्दी करो जल्दी, ओके चलो। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि आपको जो न्यूमेरिकल है इसकी स्टेटमेंट जो है मैं किसी ढंग से डालूं बीच में, तो
कोई बात नहीं, आई विल ट्राई माई बेस्ट, बट न्यूमेरिकल आपको समझ आ गया। जो स्टेटमेंट में बोल के लिख रहा हूँ उसको बार बार लिखते जाना है, ठीक है, मतलब सुनते जाना है और स्टेटमेंट लिख लेनी है पहले, उसके बाद करना है काम, पहले स्टेटमेंट लिखनी है। अब न्यूमेरिकल नंबर टू ध्यान से सुनना, सेकंड न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट सुनना, कहता है कि इफ यू सिट इन अ पार्क्ड कार यू ग्लांस इन द रियर व्यू मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 2 meter एंड नोटिस अ जोकर अप्रोचिंग यू। जोकर का मतलब पीछे से कोई आ रहा है आपको, जोकर। इफ द जोकर इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 5 meter per second हाउ फास्ट इज द इमेज ऑफ द जोकर मूविंग व्हेन द जोकर इज 39 meter, 29 meter, 19 meter, 9 meter। एक मैं करवा रहा हूं, मतलब आप कार में बैठे हो, राइट, और कार में बैठे हो और आप रियर व्यू मिरर में देख रहे हो। रियर व्यू मिरर, जिसको नहीं पता वो मुझे बता दो, रियर व्यू मिरर कौन सा होता है जिसमें हम देखते हैं पीछे कौन आ रहा है, राइट। तो रियर व्यू मिरर हमेशा क्या होता है, कन्वेक्स मिरर होता है, ठीक है। आप कहता कि अगर जोकर आपके, आप आ रहे हो और जोकर आपके पीछे आपको दिखाई दे रहा है कि वो आ रहा है, राइट, जोकर आपके पास आ रहा है और आप उसको किस में देख रहे हो, मिरर में देख रहे हो। कहता कि अगर वो जोकर 5 meter per second स्पीड से भाग रहा है तो उसकी जो इमेज होगी वो मिरर में कैसी दिखाई देगी। मतलब सपोज करो आप पार्क में बैठे हो और कार में बैठे हो और मैं आ रहा हूं पीछे से डंडा लेके, ओके, राइट, तो मैं आ रहा हूं आपकी पिटाई करने के लिए क्योंकि आप पढ़ते नहीं हो, पार्क में घूम रहे हो, तो आप मुझे देख रहे हो, आप कार में बैठे हो और मैं आपके तरफ आ रहा हूं, राइट, और मेरी स्पीड कितनी है, 5 meter per second। तो आपको उस जो रियर व्यू मिरर है मींस कन्वेक्स मिरर, उसमें मैं कितनी स्पीड से भागता दिखाई दे रहा हूं। दिस इज द क्वेश्चन, क्वेश्चन समझ आया माइंड में, आ गया क्लियर। अब ध्यान से सुनना, अब क्वेश्चन क्या है मेरे पास ध्यान से, कि जो रियर व्यू मिरर होता है वो होता है कन्वेक्स मिरर, ये तो सभी को पता है। जो रियर व्यू मिरर होता है वो कौन सा होता है, कन्वेक्स मिरर, राइट, क्लियर। अब कन्वेक्स मिरर है बन गए, डायग्राम जो है ना वो अपने मन में फटाफट बना लेनी है, ये कन्वेक्स मिरर। आप इसका मतलब आप देख रहे हो तो ऑब्जेक्ट इधर होगा कहीं ना कहीं, तो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। इनिशियली जो ऑब्जेक्ट था वो 39 मीटर अवे था, इनिशियली पहले 39 मीटर अवे, मैं एक केस का ले रहा हूं, बाकी केस मैंने आपको बता दिए, वो सारे आपने करने हैं। 39 मीटर था, ओके, तो 39 मीटर वो अवे था। अब आपने ये देखना है कि वो जोकर जो है वो कांस्टेंट स्पीड से आ रहा है, उसने ये बोला कि जोकर की जो स्पीड है, इस ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, वो है 5 meter per second, इतनी स्पीड से ये खुद जा रहा है। अब हमने देखना है कि इसमें उसकी स्पीड क्या दिखाई देगी, दिस इज द क्वेश्चन, ओके क्लियर। अब हमने पहले क्या करना है कि अगर आपका ऑब्जेक्ट ये है तो हमें उसकी क्या पता चलनी चाहिए, इमेज पता चलनी चाहिए। दूसरा हमारे पास कन्वेक्स मिरर है, तो कन्वेक्स मिरर है तो इसका मतलब हमें जो इसका आर दिया हुआ है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, वो आर कितना दिया हुआ है, ये गिवन है, आर कितना है 2 meter, आर कितना है 2 meter, तो ये तो पॉजिटिव ही होगा क्योंकि कन्वेक्स मिरर है। कन्वेक्स मिरर के लिए एफ और आर क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, क्लियर है, वो मैंने आपको पहले बता दिया। कन्वेक्स मिरर इसका अगर आप लगाओगे तो आर क्या होगा, इसका इस तरफ को होगा ना, तो आर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, राइट, क्राइम करने की जरूरत ही नहीं है। तो आर हमारे पास इतना आ गया, क्लियर है। अब आर इतना आ गया तो हमने निकालना क्या है, एफ निकालना, तो एफ कितना आएगा, अगर आर 2 meter है तो एफ कितना आएगा, दैट इज आर बाय 2 मतलब 1 meter, ये बात क्लियर होगी। हमारे पास एफ भी निकल गया, जो जो चीज निकल रही है वो यहां पर लिख रहा हूं, एफ 1 meter मेरे पास आ गया, क्लियर, समझ आ गई। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेरे पास कितना है, -39 meter, ये भी क्लियर हो गया क्योंकि ऑब्जेक्ट -39 के ऊपर है। अब मिरर है तो मिरर फॉर्मूला बनाना, हमने क्या निकालना है,
क्या निकालना है, ये हमने ऑब्जेक्ट की स्पीड लिख दी। वैसे वैसे वी को हम वे लिखते हैं, तो आपने यहाँ पर लिखना है स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट या जोकर जो भी है आपका, ठीक है। 5 मीटर पर सेकंड, मतलब एक सेकंड में वो 5 मीटर चल रहा है, एक सेकंड में क्या चल रहा है, वो 5 मीटर चल रहा है। तो अब फोकल लेंथ पर चल गई, यू पर चल गया, अब फार्मूला लगाओ कौन सा, मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला क्या कहता है ये बता दो बेटा, समझ आ गया, क्लिक करना है, डन। अब ये सारा मिटा देता हूं, करेंगे क्या, ध्यान से सुनना। मैंने मिरर फार्मूला अप्लाई किया, मिरर फार्मूला क्या कहता है, 1 upon u + 1 upon v = 1 upon f। मेरे पास f भी है, मेरे पास u भी है, मैंने क्या निकालना है, v निकालना है। तो मैं 1 upon v करके 1 upon f minus 1 upon u, तो क्या लिखूंगा इसको, uf और u minus f। सो v किसके बराबर आ गया, uf over u minus f। पुट करो v की वैल्यू, v की वैल्यू कितनी आएगी, u आपके पास पता है, u कितना है -39 मीटर और f कितना है 1 मीटर। तो जब ये आप पुट करोगे तो आपके पास आंसर कितना आएगा, 39.40 मीटर। करके देखिए 39.40, अभी पुट करके देखो तो 39.40 मीटर आएगा। अब कह रहा है कि जोकर जो है दैट मूव्स एट अ कांस्टेंट स्पीड 5 मीटर पर सेकंड। ध्यान से सुनना मैंने क्या बोला है, कि अगर वो तो मूव कर रहा है लेकिन एट पर्टिकुलर इंस्टेंट वो किसके ऊपर था, इतने डिस्टेंस के ऊपर था, u कितना था उसका 39 मीटर, राइट। उसके बाद जब हमने उसको पहले देखा पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, हमारे पास u कितना था, -39 सेंटीमीटर, मतलब वो मिरर से 39 मीटर अवे था जब हमने देखा। उस टाइम हमने कैलकुलेशन की, उस टाइम हमारे पास v जो आया वो कितना आया, 39 ओवर 40। ये बात क्लियर होगी, ओ v समझ आ गया सभी को। अब क्वेश्चन क्या है कि ये जोकर जो है वो कांस्टेंट स्पीड से जा रहा, मतलब 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है, तो एक सेकंड बाद पहले कितना था वो 39 मीटर, तो एक सेकंड बाद वो कहां जाएगा, उसने बोला कि वो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है, मतलब अगर वो 39 मीटर के ऊपर था तो आफ्टर 1 सेकंड उसका ये डिस्टेंस कितना बन गया, 39 माइनस 5, एक सेकंड में 39 माइनस 5 कितना बना भाई, 34, सही है, वो क्लियर है। तो एक सेकंड में वो कितना चला, 34 मीटर। तो इसका मतलब आफ्टर 1 सेकंड, देखो पहले हमने उसको कैलकुलेट कर लिया, हमारे पास v आ गया, ये हमारे पास v आ गया, गॉट इट। अब दूसरा वो क्या बोल रहा है कि आफ्टर 1 सेकंड उसका डिस्टेंस कितना बना, फिर 30, क्योंकि वो तो चल रहा था, तो 1 सेकंड के बाद 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो जा रहा है, तो इसका मतलब आफ्टर 1 सेकंड वो 5 मीटर चला, तो इसका मतलब 39 माइनस 5, 34 मीटर रह गया। अब उस पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर हम कैलकुलेशन करेंगे, राइट। अब आपके पास यू क्या है, ध्यान से देखना, ये हो गया सारा काम। अब हमारे पास जो यू है वो कितना आया पर सेकंड इंस्टेंट, यू कितना आया, शाबाश, वेरी गुड, आफ्टर 1 सेकंड, आफ्टर 1 सेकंड, मैं इसको यू डैश ले रहा हूं, राइट, आफ्टर 1 सेकंड यू डैश कितना आया आपके पास, -34 मीटर, यही है यू डैश आपके पास है। अब उसकी जो एफ है वो थोड़ा चेंज होगा, वो एफ तो चेंज नहीं होगा, मिरर तो वही है, राइट right? तो एफ कितना आ गया हमारे पास, 1 मीटर, तो अब आपने वी डैश निकालना है, निकल जाएगा। जब आप वी डैश निकालोगे फटाफट बताओ कितना आंसर आया, वी डैश के लिए आप क्या करोगे, जल्दी बोलो जल्दी, वी डैश के लिए क्या फार्मूला है, तो वही फार्मूला है। तो वी डैश को आप निकालने के लिए यू की जगह यू डैश कर दो, एफ तो वही है, यू डैश है, करो वैल्यू पुट, यू डैश आपके पास है, एफ आपके पास है, तो वी डैश हमारे पास कितना आया, कैलकुलेट करो, शाबाश बेटा, शाबाश शाबाश, कितना आया, यस यस, 34 ओवर 35, सोच लो एक बार फिर से, 34 ओवर 35 मीटर, यस राइट,
34 ओवर 35 मीटर। जब आप पुट करोगे तो यही आंसर आएगा। तो इसका मतलब आफ्टर वन सेकेंड हमारी इमेज कहां पर थी? 34 ओवर 35 मीटर के ऊपर। इसका मतलब हमारी इमेज मूव कर रही है। पहले हमारी इमेज जब हमने देखा, जब हमारा ऑब्जेक्ट -39 के ऊपर था, तो हमारी इमेज 39/40 के ऊपर थी। आफ्टर वन सेकेंड हमारी इमेज कहां पर आ गई? 34/35। इसका मतलब हमारी इमेज ने कुछ डिस्टेंस मूव किया। तो एक सेकंड में हमारी इमेज ने कितना डिस्टेंस मूव किया? कितना मूव किया? द डिस्टेंस मूव्ड बाय द इमेज इन वन सेकेंड। करो, निकालो निकालो, कैसे निकालोगे? सो डिफरेंस इन द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो आपके पास क्या आ जाएगा? एवरेज स्पीड ऑफ द इमेज इन वन सेकेंड। सो वी माइनस वी डैश कर दो। समझ आई? डिस्टेंस मूव्ड बाय द इमेज इन वन सेकेंड। लो, डिस्टेंस मूव्ड बाय द इमेज इन वन सेकेंड। क्वेश्चन समझ आ गया भाई? गुड। डिस्टेंस मूव्ड बाय द इमेज इन वन सेकेंड। ठीक है, थोड़ा टेढ़ा है ये क्वेश्चन, ध्यान से सुनना। तो कितना बना डिस्टेंस, कितना मूव किया? पहले कितना था v, बाद में कितना हुआ v डैश। मींस 39 ओवर 40 माइनस 34 ओवर 35। अब डिस्टेंस की बात कर रहे हो, हमने यहां पर साइन कन्वेंशन नहीं लेनी है, सिंपल हमने डिस्टेंस निकालना है। तो वो कितना आएगा, कैलकुलेट करो। ये आएगा 1/280 मीटर। एक सेकेंड में हमारी इमेज ने इतना डिस्टेंस कवर किया। ये वेलोसिटी नहीं है, वेलोसिटी मत मानना इसको, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ द इमेज, राइट? तो v माइनस v है, वेलोसिटी मत समझना इसको, स्पीड मत समझना। ये तो मैंने सिंपल बोला कि एक सेकंड में हमारी इमेज ने कितना डिस्टेंस कवर किया, 1/280 मीटर। मतलब एक सेकंड में किया, तो एक सेकंड का मतलब क्या हुआ, ध्यान से सुनना। अगर हमारी इमेज एक सेकंड में इतना डिस्टेंस मूव करती है, तो इसका मतलब उसकी वेलोसिटी कितनी हुई, स्पीड या वेलोसिटी, स्पीड ऑफ द इमेज, स्पीड ऑफ द इमेज, ये एक सेकंड में है, तो क्या होगा, ये हमारा क्या है, ये डिस्टेंस है, और डिस्टेंस ही हुआ ये, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम कितना है, वन सेकंड, तो वन सेकंड का मतलब वन है, वन का कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो क्या बन जाएगा ये, 1.280 मीटर पर सेकंड। दिस इज द एवरेज स्पीड ऑफ द इमेज, जो हमारा आंसर था। इसके लिए यूज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर जब इनिशियल था। उसके बाद मैंने आपको बहुत सारे प्रॉब्लम दिए है कि यू कितना होना चाहिए, -19 मीटर, फिर यू -9 मीटर। ओके, क्लियर है? 29, 19 और 9 मीटर के लिए आपने करना है, 29, 19 और 9 मीटर के लिए आपने सॉल्व करना है और मुझे उसका आंसर बताना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया? मतलब ध्यान से देखो, जैसे वो मिरर में देख रहा है ना, कन्वेक्स मिरर में वो उसकी तरफ आ रहा है, वो उसको देख रहा है, लेकिन उसकी एक्चुअल स्पीड कितनी थी, 5 मीटर पर सेकंड जोकर की, हम उसको देख रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि जब हमने फर्स्ट इंस्टेंट में देखा वो 39 के ऊपर था, 39 के ऊपर उसकी इमेज कहां बनी, फिर वो एक सेकंड में कितने डिस्टेंस के ऊपर आया, फिर उसकी इमेज कहां पर बनी, तो उन दोनों में कितना इमेज में डिस्टेंस था, वो डिस्टेंस अगर हमें पता चल गया तो इसका मतलब एक सेकंड में वो इतना डिस्टेंस मूव किया, तो एक सेकंड में इतना डिस्टेंस मूव किया तो वो मीटर पर सेकंड बन गया, कि इतने मीटर एक सेकंड में मूव किया, तो वो क्या बन गई आपकी, स्पीड बन गई। ओके, क्लियर? क्लिक करना, कर लो, बाकी आपने कर लिया। चले आगे, गुड। उसके बाद हमारे पास ये बहुत टेढ़ा न्यूमेरिकल है। अब आप बोलोगे कि सर ये न्यूमेरिकल कहां से है, कैसे है, आप पता नहीं कौन से न्यूमेरिकल कर रहे हो भी, राइट? तो धीरे धीरे आप न्यूमेरिकल एक्सपर्ट तब होगे जब आप ध्यान से काम करोगे, बातों में नहीं आओगे। मुझे नहीं पता कि आपको कौन बातें इतनी सिखाता है कि ये कर लो वो कर लो। अगर आप सीधे टीचर के ऊपर विश्वास करके काम करोगे तो आप अपना गोल अचीव कर जाओगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से सुना, कहता है ए 5 सेंटीमीटर लॉन्ग नीडल इज प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कन्वेक्स मिरर। ये कन्वेक्स मिरर है, कौन सी है ये? क्वेश्चन 3। हमारे पास ये कन्वेक्स मिरर है, राइट?
वो क्या बोल रहा है कि हमारे पास एक 5 सेंटीमीटर लॉन्ग नीडल है। मैं एक स्टेटमेंट बोल देता हूं पहले, ए 5 सेंटीमीटर लॉन्ग नीडल इज प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर 40, फाइंड द पोजीशन नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज ऑफ द नीडल फुल स्टॉप। व्हाट हैपेंस टू द साइज ऑफ द इमेज व्हेन द नीडल इज मूव्ड फार्दर अवे फ्रॉम द मिरर, राइट। तो क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास एक 5 सेंटीमीटर लॉन्ग नीडल है, दिस इज 5 सेंटीमीटर, मतलब क्या दिया हमें साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, 5 सेंटीमीटर लॉन्ग नीडल है दैट इज प्लेस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द कन्वेक्स मिरर, ये 10 सेंटीमीटर इतना तो हमें दिया हुआ, ओके। अब वो क्या बोल रहा है कि जो फोकल लेंथ है कन्वेक्स मिरर की वो 40 सेंटीमीटर है, मतलब एफ कितनी है 40 सेंटीमीटर। अब फोकल लेंथ आप मुझे बताओ कि मैंने क्या बोला कि F एंड R इज पॉजिटिव फॉर कन्वेक्स मिरर, तो यहां पर क्या आ जाएगा पॉजिटिव। क्यों F पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि जब आप इसको ऐसे कंप्लीट करोगे तो R तो इस तरफ को आएगा पोल के इस तरफ को, ऑब्जेक्ट इधर इस तरफ को है तो हमारी रेज इस तरफ को जा रही है, तो इसका मतलब पोल से इस तरफ को डिस्टेंस पॉजिटिव होंगे, तो इसलिए अगर R पॉजिटिव है तो F भी हमारा क्या होगा पॉजिटिव होगा। तो F is equal to plus 40 सेंटीमीटर हमें दिया है। H1 height, height of the object कितनी दी है? ऊपर की तरफ है, upward distance, vertically upward distance they are taken as positive 5 सेंटीमीटर। H1 आपको दिया है, F आपको दिया है, U आपको दिया है, U यहां पर कितना होगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस 10 सेंटीमीटर, क्योंकि वो इस तरफ। Got it? समझ आ गई? चले आगे, U दिया, F दिया, H1 दिया, क्या निकालना है, V निकालना है, तो V के लिए क्या फार्मूला है, मिरर फार्मूला अप्लाई करो, 1 upon U plus 1 upon V, that is equal 1 upon F, तो V, 1 upon V कितना होगा, yes, 1 upon F minus 1 upon U, that is F minus U or FU, मतलब V आ गया F minus U, sorry, FU over F माइनस U, यही है, देख लो ध्यान से, हमें चाहिए V चाहिए तो U उधर चला गया, तो UF हमारा LCM आ गया, तो क्या बन गया, सही है, बता दो, और सही है, नहीं सही है, क्योंकि 1.F माइनस 1.U यहां पर क्या आएगा, यहां पर क्या आएगा, मुझे पता है आप ऐसे ही गलतियां करते हो, U माइनस F अपॉन UF, यहां पर भी क्या आएगा UF ओवर U माइनस F, यही हमने किया, और फिर से देख लो इसमें कोई गलती तो नहीं है, हैं? और ठीक है 1.U उधर चला गया तो U माइनस F और क्या बन गया नीचे UF, तो उल्टा हो गया UF और U माइनस F, डन क्लियर है, सारी वैल्यूज पुट करो, देखो V कितना है, U आपके पास है माइनस 10, F आपके पास है 40, तो कर लो कितना है आंसर 8 आया, देखो 8 सेंटीमीटर आ गया, वो कितना आया दैट इज प्लस, सो इसका मतलब हमारे पास V निकल गया प्लस 8 सेंटीमीटर, अब V निकल गया, हमें क्या बताया था उसने, क्या बोला कि फाइंड द पोजीशन, पोजीशन फाइंड होगी 8 सेंटीमीटर, अब प्लस है इसका मतलब, प्लस का मतलब क्या है कि हमारी जो इमेज है वो इस तरफ को बन रही है बिहाइंड द मिरर, V प्लस आया ना, अगर V माइनस आता तो इसका मतलब आगे बननी थी, लेकिन हमारा V क्या आ रहा है प्लस, इसका मतलब इस तरफ को इमेज बन रही है, तो हमारी इमेज जो है बिहाइंड द मिरर बन रही है, ओके इतनी बात क्लियर होगी। अब V पॉजिटिव है तो V पॉजिटिव है तो इमेज हमारी क्या होगी वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी, मैंने आपको बोला था कि 10th वाला वो देखना जरा, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने पोस्ट किया है कि वो 10th वाला जो है लेक्चर जो है वो आपने पढ़ना है तब आपको ये पता चलेगा, आई थिंक वो दैट इज Lecture 3 फॉर 10th क्लास, Lecture 3 or 4 देख लेना, 3 है या 4 है, मे बी 4 होगा, हाँ यस 4 या 3 इतना ही। तो V कितना बन गया प्लस 8 सेंटीमीटर हमारे पास आ गया, राइट। अब हमारे पास V पॉजिटिव है, V पॉजिटिव है तो मतलब इमेज हमारी क्या होगी वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी, क्योंकि मिरर के इस तरफ को जो बन रही है वो वर्चुअल होती है और क्या होती है इरेक्ट होती है, पता चल गया। अब हमने क्या निकालना है, अब मिरर जो फॉर्म हो रही है बिहाइंड द मिरर हो रही है तो हमने क्या निकालना है, उसका मैग्निफिकेशन निकालनी है, साइज ऑफ द इमेज नीडल निकालना है, तो इमेज नीडल की साइज को निकालने के लिए हमें क्या चाहिए मैग्निफिकेशन चाहिए, ये नोट कर लिया, ओके। अब हम मैग्निफिकेशन निकालें, ठीक है, मैग्निफिकेशन का क्या फार्मूला होता है,
जल्दी बताओ, मैग्निफिकेशन दैट इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। मैग्निफिकेशन किसके बराबर होती है? माइनस वी अपॉन यू, माइनस वी अपॉन यू माइनस एट, क्योंकि वी हमारे पास एट है, यू कितना है माइनस टेन, कितना आया वो, कितना आया? मैग्निफिकेशन का कोई यूनिट नहीं होता, देखो बोलो कितना बना, हाँ पॉइंट एट, पॉइंट एट ही बना, तो पॉइंट एट हमारे पास मैग्निफिकेशन आ गई। अगर हमारे पास मैग्निफिकेशन पॉइंट एट है तो आपको पता है कि एम पॉइंट एट आ गई, हमें क्या चाहिए, एच टू चाहिए, फार्मूला निकालो, एम इज इक्वल टू एच टू ओवर एच वन, एम कितना है पॉइंट एट, एच टू आपने निकालना है, एच वन आपको दिया हुआ है फाइव, तो दिस इंप्लाइज एच टू कितना आया पॉइंट एट इंटू फाइव, देख लो कितना आया, मुझे नहीं आती मल्टीप्लीकेशन, दैट इज फोर सेंटीमीटर। इसका मतलब आपकी इमेज का साइज क्या हो गया, कम हो गया, ऑब्जेक्ट कितना था 5 सेंटीमीटर और इमेज कितनी थी 4 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन उसने क्या बोला, वो कह रहा है कि व्हाट हैपेंस टू द साइज ऑफ द इमेज व्हेन द नीडल इज मूव्ड फार्दर अवे फ्रॉम द मिरर, अगर इस नीडल को आप दूर लेके जाओगे, तो जैसे ही आप ऑब्जेक्ट को पोल से दूर लेते जाते हो, कभी फोकस के कभी सी ये वो, मैंने आपको बताया कि लेक्चर 3 या लेक्चर 4 देखना 10th वाले का, तो आपकी जो इमेज है वो छोटी होती जाती है। इन्फिनिटी के ऊपर अगर आपका ऑब्जेक्ट है तो आपकी जो इमेज बनेगी वो फोकस में बनेगी, वो क्या बनेगी, हाईली डिमिनिश्ड बनेगी, पॉइंट साइज बनेगी। थोड़ा इन्फिनिटी से थोड़ा आगे आओगे तो इमेज थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, और आगे आओगे थोड़ी सी और बड़ी हो जाएगी, और आगे आओगे थोड़ी सी और बड़ी हो जाएगी। आप ऑब्जेक्ट को कहां पर रखोगे, अगर फोकस के ऊपर रखोगे तो इमेज आपकी बहुत बड़ी होगी, कहां पर होगी इन्फिनिटी के ऊपर होगी। मतलब अगर आप ऑब्जेक्ट को यहां से दूर लेके जाते हो तो आपकी इमेज इस तरफ को आ रही है, मतलब इमेज आपकी क्या हो रही है, और छोटी हो रही है। अगर आप ऑब्जेक्ट को इसके पास लेके आओगे तो इमेज आपकी इस तरफ को जाएगी, मतलब इमेज बड़ी होती जाएगी। उल्टे हैं दोनों, अगर ऑब्जेक्ट मिरर से दूर जा रहा है तो इमेज आपकी क्या हो रही है, छोटी हो रही है। अगर ऑब्जेक्ट मिरर के पास आ रहा है तो इमेज आपकी क्या होती जाएगी, बड़ी होती जाएगी। मेरी बात समझ आई, क्लियर है? तो अब जैसे ही आप अपने आप देख लो कि 5 है तो 4, आप इसको 5 की जगह आप 10 कर दो, 10 कर दो, आपने देख लेना कि आपकी इमेज जो है जैसे जैसे आप दूर जाते जाओगे आपकी इमेज जो है वो बड़ी होती जाएगी। समझ आ गई, क्लियर है? हैं? अरे नहीं, जैसे आप ऑब्जेक्ट को दूर लेके जाओगे, ऑब्जेक्ट जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को दूर लेके जाओगे आपकी इमेज जो है, मतलब अगर आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी के ऊपर है तो इमेज आपकी कहां पर बनेगी, फोकस के ऊपर बनेगी, मतलब छोटी होगी। ठीक है, तो मतलब जैसे आप ऑब्जेक्ट को दूर लेके जाओगे आपकी इमेज जो है वो छोटी होती जाएगी। टंक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले नोट कर लो इतना करना, पता नहीं समझ आ रहा है आपको कि नहीं आ रहा है, क्योंकि आपने बहुत जल्दी शोर मचाना शुरू कर दिया, न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल, देखो आप डन। इसके बाद हमारे पास फोर्थ न्यूमेरिकल एग्जांपल 4 या क्वेश्चन 4 ये करेंगे हम, जितने हो गए बेटा उतने कर लेने आज, बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो में पोस्ट करूंगा, क्योंकि न्यूमेरिकल में स्टेटमेंट लिखना बड़ा थोड़ा वो सर्च आउट कर रहा हूँ कि स्टेटमेंट आपको कैसे लिख के दूँ, राइट तो जैसे ही मुझे कोई ना कोई आइडिया मिलेगा उसी टाइम आपके जो लेक्चर हैं उसमें न्यूमेरिकल 10 हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि हमारे पास एक स्क्वायर वायर, पहले सुन लो आप, स्क्वायर वायर ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर इज प्लेस 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कनकेव मिरर। हमारे पास कनकेव मिरर है, दिस इज अ कनकेव मिरर, राइट, क्लियर, ये याद रखना आपने, हमारे पास एक कनकेव मिरर है और कनकेव मिरर के सामने 25 सेंटीमीटर अवे हमने एक स्क्वायर वायर रखी हुई है, 25 सेंटीमीटर अवे यहां पर मैंने एक स्क्वायर वायर
रखी हुई है, मतलब ऐसे स्केयर बना के रखा हुआ है। यहां बना दो ये स्केयर वायर, ठीक है, स्केयर वायर ऐसे नहीं है, ऐसे रखी हुई है स्केयर वायर, समझ आ गई कि नहीं? ऐसे तो फिर और क्वेश्चन बन जाएगा, ऐसे रखी हुई है, ठीक है। मान लो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ऐसे रखी हुई है, ऐसे नहीं रखी हुई, ठीक है। अगर ऐसे रखेंगे तो उसमें साइड और ऐड होगी, तो वो एक साइड दिखाई देगी, स्केयर वायर आपको पता नहीं चलेगा, वो तो सिंपल एक ऑब्जेक्ट दिखाई देगा, वो स्केयर वायर ऐसे रखी हुई है, राइट। मतलब ये ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पर रखा हो, ये ऐसे थ्री डिमेंशनली मैंने शो कर पा रहा हूँ, तो कैसे करते हैं, ऐसे ही करते हैं शायद, कुछ जैसे भी है यार, कर लो इसको, ये ऐसे है कुछ, हाँ ठीक है, ये है स्केयर वायर आपके पास, डन। ये स्केयर वायर है, इसकी 3 सेंटीमीटर साइड, मतलब 3 सेंटीमीटर साइड, 3 सेंटीमीटर की साइड से उसके स्केयर वायर की, राइट। 25 सेंटीमीटर अवे है, और जो फोकल लेंथ है कन्वेक्स कनकेव मिरर की, दैट इज 10 सेंटीमीटर, मतलब एफ आपको कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर। अब कनकेव मिरर है, तो कनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ क्या होती है, एफ एंड आर नेगेटिव, एफ कितना आएगा, -10 सेंटीमीटर, यू कितना दिया है, -25 सेंटीमीटर, डन, क्लियर होगी बात, ठीक है, क्लियर। यू आपको -25, एफ आपको -10। अब कह रहा व्हाट इज द एरिया इनक्लोज्ड बाय द इमेज ऑफ द वायर, इसका एरिया तो हमें पता है, स्केयर का एरिया क्या होता है, 3 का स्केयर 9, अगर ये सेंटीमीटर है तो ये इसका एरिया बन गया, इस टाइम इसका एरिया इतना है, बट इमेज का एरिया कितना होगा, दिस इज द क्वेश्चन। मतलब ये वायर है 3 सेंटीमीटर इसका साइड है, और इसका एरिया है 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हम इसको मिरर में देखेंगे तो इसकी इमेज का एरिया कितना होगा, दिस इज द क्वेश्चन। मेरी बात समझ आई बेटा, समझ आई, आप करो इसको। अब क्या करेंगे हम, पहले तो हमें पता होना चाहिए कि 25 सेंटीमीटर के ऊपर है। अब क्वेश्चन दिमाग में लगाओ, क्योंकि मेरे पास मान लो स्केयर है, स्केयर मेरे पास यहां पर नहीं पड़ा, ये पड़ा, इसको बना देते हैं, ये है स्केयर, सपोज करो दिस इज अ स्केयर, ठीक है। अब इसकी ये साइड मुझे पता, ये भी पता, ये भी पता, ये पता, कितनी साइड है, 3 सेंटीमीटर की है। अगर ये साइड मुझे वहां पर दिखाई दे रही है, अब इतनी साइड ये, अगर मुझे इसकी मैग्निफिकेशन पता चल जाए तो इसकी साइड मुझे पता चल जाएगी कितने की, राइट। अगर मैं एक साइड को लेके चलता हूं, अगर मुझे इसकी मैग्निफिकेशन पता चल जाती है, तो उस मैग्निफिकेशन को मैं साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट से मल्टीप्लाई करके मुझे इसकी साइड पता चल जाएगी, इमेज की साइड, मेरी बात समझ रहे हो, क्योंकि ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है, इसकी मान लो ये साइड है यहां से लेके यहां तक, अगर मैं इसकी इमेज देख रहा हूं तो इमेज में मुझे अगर इसकी साइड पता चल जाए तो मैं क्या करूंगा, इसका एरिया निकाल लूंगा। तो मैंने क्या निकालना है, पहले मैंने मैग्निफिकेशन के ऊपर जोर देना है कि मैग्निफिकेशन कहां से मिले, क्यों, क्योंकि मैग्निफिकेशन क्या होती है, -V/U और H2/H1। अगर मुझे मैग्निफिकेशन पता चल गई तो मैं H1 से, मींस दिस इज 3 सेंटीमीटर, H1 3 सेंटीमीटर है, यहां पर मैं लिख देता हूं H2/3, तो मैग्निफिकेशन अगर मुझे पता है तो H2 मुझे पता चल जाएगा, अगर H2 मुझे पता चल जाएगा तो H2 का स्केयर जो होगा वो मेरा क्या होगा, आंसर होगा, मेरी बात समझ आ गई। तो अब हम क्या करेंगे, देखो सॉरी मेरे पास U है, मेरे पास V नहीं है, तो सबसे पहले आपने क्या निकालना है, मिरर फार्मूला निकाल के V की वैल्यू निकालनी है, निकल जाएगी, निकल जाएगी, क्यों भी निकालो V, V क्या होता है, फिर से फार्मूला बनाओ, 1/U + 1/V डेट इज इक्वल 1/F, 1/V 1/F -1/U, 1/V डेट इज इक्वल टू यू -F/UF, और V होगा UF/U-F। ये फार्मूला मैं बार बार क्यों बना रहा हूं, ताकि आपको ये ऐसे याद हो जाए, V is equal to UF over U-F, got it, वैल्यू पुट करो, U आपके पास कितना है, -25 सेंटीमीटर, शाबाश, पुट करो F कितना है, -10, तो -25 -10 प्लस हो गए, तो 250 तो ऊपर ही आ गए, इसको मिटा दो, क्लिक करना है, ये मिटा दो, फास्ट करना थोड़ा, राइट। सो V कितना आ गया, V आ गया हमारे पास UF, UF मतलब -10 × 25, ये बन गया 250, और U माइनस F, U कितना है, -25 - F -10, तो ये बन गया 250
ओवर माइनस 25 प्लस 10 आता है मैथ 250 अपॉन कितना बना ये माइनस 50। अब इसको बताओ कितना बना, बताओ कितना बना जल्दी बोलो। हाँ माइनस 50 ओवर 3 यही है ना, तो ये कितना बना माइनस 50 ओवर 3 सेंटीमीटर। ओए 5 से कर दो 5 3 15 एंड 550 या 250 तो v हमारे पास आ गया। जब आपके पास v निकल गया तो आपके पास मैग्नीफिकेशन निकल जाएगी। राइट मेरी बात समझ आ रही है आपको, मैंने क्या बोला कि हमारे पास v निकल गया, v आपके पास आ गया माइनस 50 ओवर 3 तो हम क्या निकालेंगे अब मैग्नीफिकेशन निकालेंगे। निकालो मैग्नीफिकेशन, ये मिटा दिया मैंने, ये भी मिटा दिया, ये भी मिटा दिया, ये भी। अब निकालो इसकी मैग्नीफिकेशन। सो मैग्नीफिकेशन दैट इज इक्वल टू माइनस वी, माइनस वी मतलब सीधा ही माइनस माइनस प्लस हो गए 50 ओवर 3 अपॉन यू। यू कितना है, कितना है यू हमारे पास? राइट यू हमारे पास है दैट इज कितना था 25, यस माइनस 25। अब बताओ क्या बन गया ये 50 ओवर 3 इंटू 25, ये बन गया माइनस 2 ओवर 3। मैग्नीफिकेशन माइनस 2 ओवर 3 आ गया, देखो ये आ रही है। अगर मैग्नीफिकेशन माइनस 2 ओवर 3 है तो अब क्या निकलेगा बच्चा, m इज इक्वल टू h2 ओवर h1। सो m इज माइनस 2 बाय 3, h2 आपने निकालना है, एच वन आपके पास कितना है 3 है दिया हुआ ना साइज 3 सेंटीमीटर का, तो 3 और 3 कट गया तो एच टू कितना बन गया माइनस 2। देखो यही आ रहा है, एच टू कितना आ गया माइनस 2 सेंटीमीटर। तो एरिया इनक्लोज्ड बाय द इमेज कितना होगा, एरिया इनक्लोज्ड एच टू का स्क्वायर, एच टू का स्क्वायर मतलब माइनस 2 का स्क्वायर, माइनस 2 का स्क्वायर मतलब 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज योर आंसर, नहीं दिख रहा यहां पर लिखता हूं 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज योर आंसर। एनी डाउट, ये निकल गया ना h2 दिखाई दे रहा है, h2 कितना है हमारे पास माइनस 2 सेंटीमीटर। तो हमारे पास जब h2 क्या है साइज ऑफ द इमेज, अगर साइज ऑफ द इमेज आपके पास आ गई तो हमारे पास क्या बन जाएगा एरिया आपके पास आ जाएगा। तो एरिया क्या होगा उस जो इमेज का साइज है उसका स्क्वायर कर दो। सो दिस इज योर आंसर, एनी डाउट? चले आगे, क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ये क्लिक करना है, करना कर लो, ओके हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 जब आपने करना है तो क्या करेंगे हम, क्या करेंगे बच्चा लोग? चलो क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान से स्टेटमेंट सुनिए। कहता है कनकेव मिरर है, उसकी फोकल लेंथ जो है वो 10 सेंटीमीटर है, दैट इज प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 35 सेंटीमीटर फ्रॉम अ वॉल। ठीक है, यहां पर एक वॉल है, दिस इज वॉल, वॉल मतलब दीवार, ये एक दीवार है। यहां पर एक कनकेव मिरर है, दिस इज द कनकेव मिरर, और ये हमारे पास कौन सी एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस है, दिखाई दे रहा है, क्लियर? तो वो क्या बोल रहा है कि हमारे पास जो मिरर है उसकी फोकल लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर, एफ कितनी दी हुई है उसकी 10 सेंटीमीटर। डन, फोकल लेंथ मिरर की 10 सेंटीमीटर दी हुई है, 10 सेंटीमीटर मतलब क्या है कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर तो यहां पर क्या लगेगा नेगेटिव। इतनी बात क्लियर होगी। दूसरा उसने ये बोला कि कनकेव मिरर जो प्लेस हो रहा है दैट इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 35 सेंटीमीटर फ्रॉम द वॉल। वॉल कौन सी बनाई, ये बनाई ना वॉल मैंने, ये है हमारे पास वॉल, इससे 35 सेंटीमीटर जो है हमारा कनकेव मिरर है, ओके 35 सेंटीमीटर हमारा क्या है कनकेव मिरर है। तो वो कह रहा है हाउ फार फ्रॉम द वॉल शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस टू गेट इट्स इमेज ऑन द वॉल। हमने ऑब्जेक्ट कितनी दूर रखना है, हाउ फार फ्रॉम द वॉल, वॉल से मिरर से नहीं, इस
वॉल जो है, ये हमारे पास जो वॉल है, दीवार है, इससे हम ऑब्जेक्ट कितनी दूरी के ऊपर रखें, कितने डिस्टेंस के ऊपर रखें ताकि इस ऑब्जेक्ट की इमेज जो है वो दीवार पर बने, दिस इज द क्वेश्चन। हमने ये डिस्टेंस निकालना है, राइट। ये अगर ये निकल गया ना, ये ऑब्जेक्ट का अगर डिस्टेंस हमें निकल गया तो ये निकल जाएगा 35 में से माइनस कर दो, दिस इज द आंसर। मतलब हमें पहले ये पता होना चाहिए कि वी जो है वो कितना है, राइट। एफ हमारे पास है, वी हमने निकालना है, और ये चीज जो है हम कितनी रखनी है, मतलब ऑब्जेक्ट के वी 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 आपको पता है, पता है क्यों? क्योंकि मैंने क्या बोला कि आपकी इमेज जो है वो दीवार के ऊपर बननी चाहिए। हमें यू नहीं पता, यहां पे ध्यान से सुनना, इसमें इसमें यू नहीं पता है। यू पता चल गया तो हमारा आंसर निकल गया। हमें इमेज कहां पर बनानी है, 35 सेंटीमीटर, और उसी तरफ को बन रही है, पोल से इस तरफ को बन रही है, तो हम यहां पर क्या माइनस 35 सेंटीमीटर, क्योंकि हमारी इमेज जो है वो इस तरफ को बन रही है। ऑब्जेक्ट अगर यहां पर रखेंगे, इमेज इस तरफ को बन रही है, तो इमेज नेगेटिव होगी, फोकल लेंथ हमें दी हुई है, कंकेवर की पहले नेगेटिव है, तो हमने यू निकालना है। तो कौन सा फार्मूला, मिरर फार्मूला लगाओ, मिरर फार्मूला, मिरर फार्मूला 1/u + 1/v 1/f। अब बचा लो हमने क्या निकालना है, यू निकालना है। तो हम क्या लिखेंगे, 1/u = 1/f - 1/v। सो 1/u किसके बराबर आ गया, बोलो, v माइनस एफ अपॉन वी एफ। तो u किसके बराबर आ गया, वी एफ ओवर वी माइनस एफ। पुट कर दो v की वैल्यू, v कितना है -35, f कितना है -10, उसमें पुट करो कितना आंसर आया बताना जरा, -14 सेंटीमीटर, यस गुड। u कितना आ गया, -14 सेंटीमीटर, यही है। अगर u आपका -14 सेंटीमीटर आ गया तो हमारे पास क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द वॉल। सो डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द वॉल, यहां पर लिख दूं, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द वॉल, दिखाई दे रहा है, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द वॉल कितना है, यू हमारा -14 सेंटीमीटर है और ये कितना है 35। तो कैसे निकालेंगे, अब हमने डिस्टेंस निकालना है, अब ये नहीं देखना हमने कि ये जो डिस्टेंस है हमारे लिए, ये डिस्टेंस कितना है 14 सेंटीमीटर है। अब साइन कन्वेंशन मत लगाना कि -14 कर देना, अब हम सिंपल डिस्टेंस देख रहे हैं कि ये हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है और ये हमारा क्या है, इमेज डिस्टेंस है। तो ये कितना बना, 35 - 14। साइन कन्वेंशन मत लगाते रहना यहां पे, फिर भूलते जाओगे क्या बोल दिया सर ने। साइन कन्वेंशन आपने कहां तक निकाल दी, यू तक निकाल दी, यू कितना है आपका, वेयर इज यू, -14 सेंटीमीटर, मतलब आपने यहां पर पुट कर दिया, हमें चाहिए ये डिस्टेंस, राइट। इसमें कोई साइन कन्वेंशन का वो नहीं है, हमें पता है कि हमारा ऑब्जेक्ट 14 सेंटीमीटर के ऊपर हमने रखा और हमारी इमेज 35 सेंटीमीटर के ऊपर बन रही है, तो इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना हुआ, 35 - 14। तो 35 - 14 कितना होता है, मुझे नहीं पता, आपको पता है, 21 सेंटीमीटर इज योर आंसर, कितना आ गया, सो आंसर इज 21 सेंटीमीटर। ओके, मतलब अगर आप ऑब्जेक्ट को कहां पर रखोगे, ये जो डिस्टेंस आया ये कितना आया, 21 सेंटीमीटर। अगर आप दीवार से ऑब्जेक्ट को 21 सेंटीमीटर रखोगे तो आपकी इमेज कहां पर बनेगी, दीवार के ऊपर बनेगी, अगर आपके पास मिरर है जिसकी फोकल लेंथ कितनी है, -10 सेंटीमीटर। मेरी बात क्लियर हो गई, तो आज के लिए इतना बहुत, और फिर मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि डोंट स्प्रेड रूमर्स, और ना ही इसमें आप फंसो, क्योंकि मुझे पता है कि आपको कब कौन सी डोज देनी है, ओनली डॉक्टर नोज कि पेशेंट का जो इलाज करना है वो कैसे करना है। अगर पेशेंट ही बोल दे कि सर आप मुझे पहले ये गोली दे दो, फिर ये गोली दे दो, फिर ये गोली, फिर वो बात नहीं बनती है, समझ आएगी। चुपचाप आराम से जो आपको मटेरियल आपके पास आ रहा है
उसको पढ़ते जाओ। अगर हबड़ा दबड़ी की तो फिर मैंने कुछ पॉइंट्स जो हैं वो मिस कर देने हैं, फिर आप जो है आपका जो बेस होगा वो कच्चा रह जाएगा। राइट, मुझे मेरा काम करने, ओके, गुड लक।